रायबरेली विकास मोर्चा के संयोजक अजय वाजपेयी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए कहा कि फिरोज गांधी कॉलेज लूट का अड्डा बनता जा रहा है। फिरोज गांधी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए छात्र छात्राएं लालायित रहते हैं, क्योंकि स्कूल से कॉलेज में पहुंचने का ख्वाब उनकी आंखों में तैरता रहता है और अभिभावक भी यहां अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहते हैं। महाविद्यालय प्रबंध तंत्र अभिभावक व छात्र छात्राओं की इच्छा का दोहन करते हुए अपनी प्रचार पुस्तिका 500 रुपये का बेच रहा है, जिसमें फॉर्म का सिर्फ एक पेज है। छात्रों को अलग से 100 रुपये खर्च करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, जो कि अनिवार्य है। उधर साइबर कैफे वाले भी फॉर्म भरने का पैसा लेते हैं। आपको बता दें कि श्री वाजपेयी के मुताबिक इस प्रचार पुस्तिका को मनमाने दाम पर बेचकर प्रबंध तंत्र अपनी जेबें भरने का काम कर रहा है। प्रवेश मेरिट के आधार पर होना है तो इतनी अधिक मात्रा में धन की उगाही क्यों की जा रही है? इस लूट के क्रम में ही महाविद्यालय फिरोज गांधी कॉलेज के नाम पर एक कैंटीन भी संचालित कर रहा है, जिसका मुख्य द्वार शहर के व्यस्ततम चौराहे की तरफ है, परंतु इसका कॉलेज के समय से कोई लेना देना नहीं है। संडे हो या मंडे, यहाँ तक कि अवकाश के दिनों में भी यह कैंटीन धड़ल्ले से दिन से लेकर देर रात तक खुली ही रहती है। कॉलेज के प्रबंध तंत्र से श्री वाजपेयी व अभिभावक तथा छात्र छात्राओं ने अपील की है कि तुरंत इस लूट को रोका जाए एवं अतिरिक्त धन जिन अभिभावकों से लिया गया है उनको अविलंब लौटाया जाए, अन्यथा रायबरेली विकास मोर्चा छात्र हित में समाज हित में निर्णायक संघर्ष को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिरोज गांधी विद्यालय के प्रबंधक तंत्र की होगी। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। मेरा नाम अजय वाजपेयी है, रायबरेली विकास मोर्चा का संयोजक। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा ही सबसे बड़ा है, इस रायबरेली जनपद में शहर में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज प्रतिष्ठित कॉलेज है, इस वजह से हर बच्चा चाहता है कि हमारा एडमिशन हो जाए, घर को भी इच्छा रहती है कि एडमिशन यहाँ ही हो जाए, लेकिन इसी इच्छा को यहाँ का प्रबंधन लूट की प्रक्रिया में उसको उसने ले लिया। कैसे? एक अपनी प्रचार पुस्तिका बेचते हैं लोग, उसकी कीमत इन लोगों ने रखी 500 रुपये, फॉर्म के साथ ही फॉर्म एक पन्ने का है और उस फॉर्म को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑनलाइन 100 रुपये दे के, साइबर कैफे वाला भी पैसा लेता है। ये 500 रुपये लेकर के अपना प्रचार पुस्तिका बेचते हैं, ये देखिए गलत है और इसका विरोध कर रहे हैं और इनको ये पैसे जो बढ़े हुए एक्स्ट्रा पैसे लिए अध्यापकों से उसको वापस करना चाहिए, अध्यापकों की गाड़ी कमाई ये लूट। तो कहाँ तक पहुँची आपकी लड़ाई, किस हद तक जाएगी है? ये लड़ाई तो जन सामान्य की है, हम तो आगे आए हैं, ये जन जन का मुद्दा है, सारे छात्र आंदोलित हैं, यहाँ के हमारे जो सम्मानित अभिभावक हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमें लगातार हमको सहयोग मिल रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ तक जाएंगे आप, मान लीजिए यहाँ जिला आवश्यकता पड़ेगी? मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है,